is your new syllabus and new textbook for standard 5th. Look at this textbook and look at this your workbook. Yes, this is both workbook and textbook are changed in our school. गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक, आप जब भी स्टेशनरी शॉप में जाओ तो ये वाली एनवायरमेंटल टेक्स्ट बुक और ये वर्कबुक आपको परचेज करनी है. लुक एट दिस इंडेक्स. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. सो फिलिंग द कलर एंड डू दिस प्रिंट, तो ये आप स्टैंडर्ड फोर के अंदर कर चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं. आपको आपके थंब और फिंगर की प्रिंट लेनी है और यहाँ पे डग, बलून, ट्री एंड फ्लावर या फिर कोई भी स्कूल, हाउसेस, एनी बर्ड, एनी एनिमल, क्लाउड, कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर सेकेंड, स्टोरी अबाउट थिंक एंड सी. नंबर फर्स्ट, विच ऑफ योर फ्रेंड्स आर टॉलर देन यू, यानी कि आपके कौन कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो टॉलर आपसे हाइट में थोड़े टॉल. विच फ्रेंड्स हाउस इज अ फारेस्ट फ्रॉम योर हाउस, कौन से फ्रेंड्स का हाउस आपके घर से. Which of your friends are shorter than you? कौन कौन से ऐसे फ्रेंड हैं जो आपसे हाइट में स्मॉल है यानी छोटे हैं. Which place do you like the most? Your school. स्कूल के अंदर आपको कौन सी ऐसी फेवरेट प्लेस है उसके बारे में आपको राइट डाउन करना है और इंट्रोडक्शन देना है, ये सिर्फ आपकी समझने के लिए है. नंबर फोर, नंबर फोर इज आउटर गेम. घर के अंदर जो गेम्स खेली जाती है इन हाउस तो इट्स कॉल्ड इंडोर गेम्स, और घर के बाहर जो गेम्स खेली जाती है उसको बोलते हैं आउटडोर गेम्स. एंड नंबर फिफ्थ, ये पजल है. पजल के अंदर सर्कल ऑल द मिस्टेक द पिक्चर एंड गिवन द बिलो, आपको पिक्चर के ऊपर सर्कल करना है. यहाँ पे देखिए टीवी चालू है पर उसका कनेक्शन नहीं है, राइट. नंबर नंबर सेकंड, यहाँ पे सनलाइट है पर उसके बावजूद भी बल्ब का लाइट ऑन है. नंबर थर्ड, ये फैन चालू है उसके बावजूद भी यहाँ पे ये जो बॉय है उसके हाथ में फैन है, यानी कि जो हैंड फैन आता है वो है. तो ये पिक्चर के अंदर मिस्टेक है. नंबर सिक्स, परफॉर्म एक्ट एंड रूल प्ले, जो हम कभी भी जब इंडिपेंडेंस डे आता है या फिर रिपब्लिक डे आता है या फिर एनुअल फंक्शन होता है तो हम इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं. और सेवन नंबर एक्टिविटीज, डू दिस एक्टिविटीज इज कंपल्सरी. आपको एक पेज लेना है, फोल्ड दैट एंड ड्रॉ द वन साइडेड कैट एंड कट द, और जो पेजेस का जो हाफ साइज बढ़ता है उसका आपको रूल बनाना है. और रोल बनाने के बाद केक को कलर्स करना है, और कलर करने के बाद आपको पीछे यहाँ पे इन बैक साइड आपको टच कर देना है वो रोल. दिस इज अ न्यू सिलेबस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द न्यू टेक्स्ट बुक एनवायरमेंट स्टैंडर्ड 5. दिस इज योर सिंबल एंड इंट्रोडक्शन पैटोग्राम. फर्स्ट इज द, you can see properly, this symbol indicate fill the colors and do the print work. Number second, this symbol indicate telling a story to the children. Number third, this symbol indicate think and see, यानी कि आप सोचो और बताओ. Number fourth, this symbol indicate people children for playing outdoor games, यानी कि आप ग्राउंड के अंदर जो गेम्स खेलते हैं उसके बारे में बता रहे हैं. नंबर फाइव, ये सिंबल क्या, पिक्टोग्राम क्या साइन दिखा रहा है. द सिंबल इंडिकेट सॉल्व द
पजल्स, आपको पजल को सॉल्व करना है. नंबर सिक्स, द सिंबल इंडिकेट परफॉर्म एक्ट एंड रोल प्ले, यानी कि आप कहीं पे डांस करिए या फिर ड्रामा, ये सारी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट हो. नंबर सेवन, द सिंबल इंडिकेट परफॉर्म एंड एक्टिविटी, यानी कि क्लासरूम में जो एक्टिविटी होती है उनके अंदर आपको परफॉर्म करना है. नंबर एट, द सिंबल इंडिकेट गेम टू प्ले इन साइड द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम के अंदर आप कौन सी गेम प्ले कर सकते हैं. नंबर नाइन, दिस सिंबल इज फॉर द चिल्ड्रन टू रीड टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री फ्रॉम लिटरेचर, यानी कि आपको ये जो साइन है आपको रीड करने के लिए बोल रहा है. नंबर टेन, दिस सिंबल इंडिकेट ऑफ नोटिंग डाउन ऑब्जर्वेशन एंड आइडियाज इन द टेक्स्ट बुक एंड इंडिकेटेड राइटिंग इंडिपेंडेंटली, आपको ये खुद के ऑब्जर्वेशन से राइट डाउन करने के लिए साइन कर रहा है. नंबर इलेवन, दिस सिंबल इंडिकेट ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये बोल रहा है. नंबर ट्वेल्व, दिस सिंबल इंडिकेट डिस्कस विद क्लासमेट टीचर्स और पेरेंट्स एंड गाइडेंस, यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया जा रहा है. नंबर थर्टीन, दिस सिंबल इज मेकिंग द स्टूडेंट एंड सिंग, यानी कि यहाँ पे आपको गाने के बारे में बताया जा रहा है. नंबर फोर्टीन, दिस सिंबल इंडिकेट प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पे आपको ग्रुप में साथ में प्रोजेक्ट वर्क करना है. यस, दिस इज द फिनिश एंड दिस इज योर टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक इंट्रोडक्शन. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टे होम, स्टे सेफ.